हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम शिल्पी द्विवेदी है और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपनी इस क्लास में। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में। इससे पहले मैंने हेरिडिटी और एनवायरमेंट का डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के बाद मैंने आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो भी प्रीवियस ईयर हेरिडिटी और एनवायरमेंट से आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो जरूर वीडियो वो वाली देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी के और भी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वहां पे भी आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहां से आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो की बात करते हैं। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मैंने आपसे कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है उस दिन, कल मैंने अपलोड किया था चैनल पे। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी 20 क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे कर पाते हैं। और उस वीडियो जो आपने वो वीडियो देखी थी जो मैंने डाला था चैनल पे, उससे और इस यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करेंगे, आप ये देखेंगे कि कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, कितने सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर ज्यादा देर नहीं करते। ठीक है, वीडियो जरूर पूरी देखना। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस लाने की कोशिश मैंने की है। ओके, चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। हमने क्या पढ़ा था कि भाई अनुवांशिकता कैसा एक ढांचा होता है, प्राथमिक है, गौण है, गत्यात्मक है या स्थिर है। सो हमने क्या पढ़ा था गाइस, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो अनुवांशिकता होती है वो हमारा कैसा कारक होती है, वो हमारी स्टैटिक फैक्टर होता है। हेरिडिटी क्या है, हमारा स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, कभी भी ये बदलता नहीं है। हमें जो अपने गुण माता पिता से हेरिडिटी से मिल गए हैं हम उन्हें बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको स्टैटिक कहा जाता है। अगर मैं डायनामिक की बात करूं तो डायनामिक जो होता है वो हमारा वातावरण होता है, हमारा एनवायरमेंट जो है ना। आप किसी भी एनवायरमेंट में रहोगे आप वैसे ही चेंज हो जाओगे, वैसे ही आप बन जाएंगे, यानी कि गत्यात्मक अगर आपसे पूछेगा तो आप वातावरण लगाएंगे, और अगर आपसे स्टैटिक स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप अनुवांशिकता लगाएंगे। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, पालन पोषण पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का या केवल अनुवांशिकता का। तो मानव व्यक्तित्व जो है, जो हमारी पर्सनालिटी बनती है, वो हमारी अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की किससे बनती है, इंटरैक्शन से बनती है। तो यहाँ पे बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। किसके अतिरिक्त जो वातावरणीय कारक हैं वो विकास को आकार देते हैं, शिक्षा के गुणात्मकता, शारीरिक गठन, पौष्टिकता की गुणवत्ता या संस्कृति। तो यहाँ पे क्या बताना है, डैश के अतिरिक्त यानी एक को छोड़ के, तो आप यहाँ देखोगे जो फिजिक है, जो हमारा शारीरिक संगठन है, ये हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या जो हमारे फिजिकल ट्रेड्स होते हैं उनसे हमें मिलता है। मैंने आपसे डिस्कस किया था हमारे कुछ मेंटल ट्रेड हैं, कुछ फिजिकल ट्रेड हैं, तो ये जो है हमारा ये शारीरिक गुण में आएगा, बाकी की चीजें जो हैं ये हमारी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन जो बी वाला है ये हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड है। क्लियर सबको? तो ये बी वाला हेरिडिटी फैक्टर है और जो बाकी के फैक्टर जो ऑप्शन है वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। पहला, समकक्ष व्यक्तियों के समूहों के प्रति अभिवृत्ति, दूसरा चिंतन, तीसरा आंखों का रंग या चौथा होगा कि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो गाइज यहाँ पे क्या बताना है आपको, हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर बताना है। तो यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसको मैंने पर्टिकुलर डिस्कस किया था कि जो हमारी आईज का कलर है या हमारी स्किन का कलर है, हमारी हाइट कैसी है, हमारा फिजिक कैसा है, ये चीजें हमें अपनी हेरिडिटी से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा अनुवांशिकता संबंधी कारक है, जो हम अपनी हेरिडिटी से, अपने माता पिता से, जीन्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ओके, सो सी को हम यहाँ पे लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यक्तित्व विकास में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? अनुवांशिकता करता है, वातावरण करता है, अनुवांशिकता वातावरण का मिश्रण करता है, या परीक्षाओं की संख्या होती है। तो हमें पता है कि व्यक्तित्व विकास में केवल अनुवांशिकता नहीं होगा, केवल वातावरण नहीं होगा, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का एक ब्लेंड, एक मिक्सचर, एक प्रोडक्ट होता है। तो सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है कि बच्चे विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपको यहाँ पर सत्य लग रहा है? ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा आपको पढ़ने का मौका दे देती हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिए। बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही वाला आपको बताना है। पहला है कि संवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, अनुवांशिकता वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है, या अनुवांशिकता वातावरण दोनों बच्चे के विकास में 50% योगदान देते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको सही जवाब लग रहा है? सोचे समझे और उसके बाद आप एक आइडिया लगाएं। ओके, सो आई होप आपने अभी तक इसका आंसर गेस कर लिया होगा क्या होना चाहिए। सो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि आपका जो सहज रुझान है वो वातावरण से संबंधित है लेकिन वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? ठीक है, आपको गुणसूत्र बताने हैं कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपने अभी तक गेस कर लिया होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पर एक्स वाई पुरुष में है तो महिला में कौन से हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं? हमने डिस्कस किया था एक्स क्रोमोसोम्स महिला में पाए जाते हैं। आसान प्रश्न था, बहुत बार आता है, तो यहाँ पे ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है कि डैश के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। किसके अनुसार हमारा जो विकास है अनुवांशिकता और वातावरण का, यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी, हमारी जो अनुवांशिकता है और उसका गुणनफल है हमारे एनवायरमेंट का। ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो परिभाषा दी थी ये दी थी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ की डेफिनेशन है, याद रखिएगा कि जो विकास है वो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की संयुक्त गुणनफल का प्रोडक्ट होता है, बेसिकली हमारा डेवलपमेंट। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आता है कि एक बालक में कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एन इन्फेंट हैज, कितने पेयर्स होते हैं? 12, 15, 23 या 48? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? पेयर पूछा जा रहा है। हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पर पेयर में अगर आपसे पूछेगा तो कितने जोड़े होते हैं, प्रत्येक बालक अपने माता पिता से 23 जोड़े प्राप्त करता है, 23 माता से, 23 पिता से, टोटल उसके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आपसे टोटल पूछेगा तो आप 46 बताएंगे, अगर आपसे पेयर में पूछेगा तो आप 23 बताएंगे। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुवांशिकता का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। अनुवांशिकता जो है वो किस चीज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करती है? भावनात्मक विकास में बच्चे के, सामाजिक विकास में, शारीरिक में, या सांस्कृतिक में? तो हमें पता है कि हमें अपनी हेरिडिटी से कुछ ट्रेट्स मिलते हैं, कुछ गुण मिलते हैं जिसमें से हमारे शारीरिक और हमारे कुछ मानसिक गुण होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, शारीरिक विकास में सबसे ज्यादा योगदान हमारी हेरिडिटी का होता है। ठीक है, काफी कुछ हम अपने शारीरिक विकास से रिलेटेड चीजें हम अपनी हेरिडिटी से जो पोटेंशियल है वो लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है कि वंशानुक्रम का वास्तविक वाहक क्या है? द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का वास्तविक वाहक अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा? क्रोमोसोम्स है, जीन्स है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल है, या डीएनए है? तो हमने क्या पढ़ा था भाई, आपको याद होगा न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और उन क्रोमोसोम्स में क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, और वही जो जीन्स हैं जिनमें हमारे क्या होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है, टोटल ऑफ इनेट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल क्या है? समानता है, निरंतरता है, वंशानुक्रम है, या युगुत्सा है?
तो यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, जन्मजात व्यक्ति गुण हमारे कैसे गुण जो इनबॉर्न है, इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें मिलते हैं, तो वो हमारा क्या है, वो हमारी हेरिडिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ वंशानुक्रम हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचर जो है वो क्या है, ये नेचर नर्चर कॉन्ट्रोवर्सी में नेचर का आपसे मतलब पूछा जा रहा है। नेचर मतलब हमारे आसपास का वातावरण, जैविक या विशिष्ट वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति या भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, क्या है हमारी प्रकृति। तो प्रकृति हमारी क्या होती है गाइस, हमारी प्रकृति हमारी जेनेटिक्स होती है, हमारी हेरिडिटी जो है वो हमारी प्रकृति है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा बायोलॉजिकल जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं है, इवेंट्स है, वो हमारा प्रकृति से रिलेटेड होगा, यानी कि हमारी हेरिडिटी। और अगर आपसे पोषण पूछा जाए कि नर्चर क्या होता है, तो नर्चर हमारा पर्यावरण यानी कि हमारा एनवायरमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो नेचर और नर्चर याद रखिएगा, नेचर मींस हमारी हेरिडिटी और नर्चर का मतलब है हमारा पर्यावरण। तो अगर आपको ये पता है तो आप इजिली क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन इनमें से कौन सा है। गलत कथन आपको बताना है। पहला है कि वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है। दूसरा, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीसरा, यह जुड़वा बच्चों के जन्म में योगदान देता है। या चौथा होगा कि इसमें रुचि, पसंद, नापसंद या मस्तिष्क की संविदात्मक भावनाएं होती है। तो इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है, वो बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे गलत है। आपसे वंशानुक्रम के बारे में बताना था, तो तीनों के तीनों जो ऑप्शंस है ना, लिंग का निर्धारण वंशानुक्रम से होता है, शारीरिक संगठन हमारा वंशानुक्रम से होता है, जुड़वा बच्चों का जन्म भी हमने पढ़ा था, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस वो भी होता है। तो तीनों ही सही है, लेकिन फोर वाला हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है, इसीलिए हमारा फोर वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता उन्हें प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो यह प्रश्न क्या दर्शाता है, क्या दिखा रहा है यह प्रश्न, प्रकृति पोषण पर बहस दिखा रहा है, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा हो रही है, क्या विकास एक सतत है या असतत है इस बारे में बात हो रही है, या भाषा के विकास पर संज्ञान का हमारे क्या प्रभाव पड़ता है वो है। तो हमें पता है कि यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चे भाषा अर्जित करते हैं कैसे करते हैं, कि क्या उनमें गुण है, क्या उनमें हेरिडिटी गुण होता है, या उनके माता पिता उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि किसकी बात हो रही है, अनुवांशिकता और हमारी वातावरण की। तो यहाँ पे बात किस पे हो रही है, बहस किस पे हो रही है, प्रकृति और पोषण पे बहस हो रही है, यानी कि नेचर नर्चर डिबेट हो रही है। तो यहाँ पे ए हमारा सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकास के ऊपर अनुवांशिकता के प्रभाव की मात्रा का सही वर्णन करता है, यानी कि कौन सा ऐसा आपको यहाँ पे ऑप्शन लग रहा है जिससे जो विकास के ऊपर अनुवांशिकता के प्रभाव को बताए। ठीक है, अनुवांशिकता के प्रभाव को आपको बताना है। पहला है कि अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि हम किस सीमा तक जाएंगे। दूसरा, अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं। तीसरा, हम किस सीमा तक जाएंगे इसका प्रधान निर्धारक अनुवांशिकता होती है, या हम किस सीमा तक जा सकते हैं इसका प्रधान निर्धारक अनुवांशिकता है। तो गाइस, मैंने आपसे उस दिन में डिस्कस किया था, वीडियो में नहीं देखी तो जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीजें उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, यहाँ पे अनुवांशिकता के प्रभाव का सही जो वर्णन है, यानी कि हेरिडिटी का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ सही जवाब जो होगा, मैं सीधे आंसर पे आती हूँ। देखो, यहाँ पे सही जवाब है कि अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं। क्लियर है सबको, हम किस सीमा तक जा सकते हैं। हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो। ठीक है, बी वाला यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर होगा। हमारी हेरिडिटी ना हमें ये बताती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम कहाँ तक जाएंगे ये हमारा पर्यावरण हमें बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पे। जैसे कि मान लो कि एक बालक है, वो बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि का है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, 120 बुद्धि लेकर के आ गया, यानी कि उसकी हेरिडिटी ने उसको बता दिया कि वो कहाँ तक जा सकता है। भाई, ये तो बहुत गिफ्टेड बच्चा है, 140 बुद्धि है,
यानी कि वो तो बहुत आगे जाएगा, है ना। आपको पता चल गया ना कि इसकी बुद्धि इतनी है, तो अनुवांशिकता ने बता दिया कि भाई वो कहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर उसको एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं मिला, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली, उसको लर्निंग नहीं मिली, उसको उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका पर्यावरण अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि 120 बुद्धि वाला बच्चा भी बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह हो। यानी कि हमारा जो पर्यावरण है वो हमें ये बताता है कि हम कहाँ तक जाएंगे, लेकिन कहाँ तक जा सकते हैं उसकी एक लिमिट सेट कर देता है हमारी हेरिडिटी। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। हाउ फार वी कैन गो, यानी कि एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है कि कैन गो, हम जा सकते हैं। अभी ये नहीं है कि हम जाएंगे, है ना, वो हमारा पर्यावरण पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है, विकास पर अनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अब आप गलती बिल्कुल मत करिएगा इस क्वेश्चन में, सोच समझ के बताइएगा, ठीक है। इसमें भी वही बताना है कि अनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का वर्णन किसके द्वारा होता है। अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा, अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी अभी गाइस, कि अनुवांशिकता हमें ये बताती है कि एक व्यक्ति कहां तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा भी, हमारे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मतलब हेरिडिटी आपको बताती है कि आप कहां तक जा सकते हो, एक पॉसिबिलिटी बता रही है। तो बाकी एक्चुअल में हम कैसे जाएंगे वो तो हमारे एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सो गाइस आप देख रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के, लैंग्वेज को बदल बदल के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जरूर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, जो गलत है, नॉट ट्रू वाला बताना है, ठीक है, जो सही नहीं है। पहला कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बिल्कुल सही है, हमें ट्रेट मिलते हैं, ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है। तीसरा कि वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का शोधन है या माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचारित होना वंशानुक्रम है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, हमें अपने ट्रेट्स मिलते हैं मेंटल एंड फिजिकल। यहाँ पे सी नहीं होगा, सप्लीमेशन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि विशेषताओं का शोधन हो गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बाकी के ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ओके। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मुझे समय दे आप, एक मिनट का, ओके। तो क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी अनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। अब ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप फिर से पढ़िए और बताइए कि यह कथन कैसा है। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। दूसरा है कि यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, यह कथन ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की अनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। या डी होगा कि यह कथन ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध करते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। तो क्या बताना है आपको इसमें, देखो कि यहाँ पे कह रहा है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। क्या आपको लगता है कि हमारे वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती? पहली बात कि ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर रॉन्ग वाला स्टेटमेंट कौन सा है भाई? ये तो ठीक है, ठीक है दिया हुआ, ये हमारा नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है हमारी डेवलपमेंट पे, सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी का प्रभाव नहीं पड़ता है, हमने जैसे कि डिस्कस किया पहले भी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है, बी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हम बी वाले के साथ जाएंगे, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस जो है आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहले की, तो जरूर देखिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिन्हें भी जरूरत है। और आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज के सेशन को। तो मैं अभी अलविदा करती हूँ आप सबका, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सुनने के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे टॉपिक्स के साथ। CDP जैसे कि हमारा एक पूरा सेशन चल रहा है और मैं CDP कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो ज़रूर मिलेंगे अब अगली वीडियो में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय सभी को।